वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम अलीना और शेस्ता को देखते हैं। वो आपस में बात करते हैं। एक दफा भी सबीन रूबाब से मिलने नहीं आए और तुम उससे सब कुछ घर के बता रही हो। ऊपर से शौकत आता है। शेस्ता अलीना को सुना कर जा रही होती है तो वो शौकत से कहती है कि अलीना घर की बत्तीन बाहर बताती है। सिकंदर रूबाब को मेडिसिन खिला रहा होता है और उसकी देखभाल कर रहा होता है और वो सोफे पर जकर बैठ जाता है। रुबाब बहुत सड़ होती है और वो रुबाब को समझाने की कोशिश करता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से फरुख रुबाब को कॉल कर रहा होता है। वो फरुख की कॉल अटेंड नहीं करती और उसको ब्लॉक कर देती है। अगली सुबह सिकंदर रुबाब को सोफे पर आराम से बैठाता है और ऊपर से रुबाब की माँ शेस्ता आज जाती है। सिकंदर उसकी माँ से कहता है कि आप इसका ख्याल रखें और वो ऑफिस जाने लगता है। शेस्ता रुबाब के पास बैठती है और उससे समझाने की कोशिश करती है कि सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के किस्मत वालों को ही मिलते हैं। बट रुबाब इस बात पर ध्यान नहीं देती। शेस्ता उससे कहती है कि फरुख एक अच्छा लड़का नहीं है। सबीन सोच रही होती है कि मुझे मेरे घर वाले पराया समझते हैं और वो इस बात पर डिसहर्ट होती है। सिकंदर साहिल से मिलता है और यूस पूछता है कि तुम रुबाब को कैसे जानते हो। वो बताता है कि यो मेरे फियांसे की दोस्त है और वो ये बात का कर इग्नोर कर देता है। सिकंदर साहिल को कहता है कि तुम वर्क फ्रॉम होम करो और मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी देता रहूंगा, परेशान मत हो। रुबाब फरूख के बारे में सोच रही होती है जो उसने उस रिंग दी थी और यह रिंग उसकी माँ ने उस पहने थी। सबीन इधर घर आती है और वो फरिया से मिलती है और रुबाब से मिलने का कहती है, लेकिन वो इसे रुबाब से नहीं मिलने देती। दूसरी तरफ हम अलीना को देखते हैं। वो अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी और ऊपर से रहील आता है और यो अलीना के पास आकर उस बाहर जाने का कहता है, रुबाब का घर। और जब वो बाहर जाती है तो रहील उस बच्चे के कपड़े देख रहा होता है और सैड होता है। सिकंदर ऑफिस से आता है और रुबाब को फ्लावर्स देता है और यूस कहता है कि तुम कहीं बाहर चली जाती। वो कहती है इस हालात में मेन कहाँ जाती। वो रुबाब को बाहर ले आता है और उसी टाइम ही अलीना और राहिल आते हैं और वो एक दूसरे से मिलते हैं और उसकी माँ भी आती है। वो सब बैठ जाते हैं और बातें करती हैं। फरुख रुबाब के बारे सोच रहा होता है। ऊपर से उसकी माँ आती है और वो कहती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि रुबाब मेरी कॉल पिक नहीं कर रही हो। वो कहती है तुम दूसरे नंबर से कर लो। वो कहता है उसने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और वो कहती है कि तुम रुबाब का पीछा छोड़ दो और रोमाना पर फोकस करो। वो शला के रिश्ते के बारे में भी बात करती है बट वो मना कर देता है। रोमाना और उसके घर वाले भी अच्छे लोग नहीं होते, वो भी फरुख को लुटाने के चक्कर में होते हैं। रुबाब बैठी होती है और सोच रही होती है। ऊपर से सिकंदर आता है और उसकी हेल्प करता है। रुबाब सिकंदर से कहती है कि आप लोग मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैंने तो आप लोगों की कभी भी इतनी फिक्र नहीं की। बट वो कहता है तुम हमारे घर की एक फार्द हो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। अलीना और राहिल सबीन से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पैर बैठ के उससे बहुत ज्यादा बातें करते हैं। सबीन बहुत हैप्पी हो जाती है और रुबाब सिकंदर के बारे सोच रही होती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता है, कितनी परवाह करता है और मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। नेक्स्ट सी पे हम अलीना और शेस्ता को देखते हैं। वो पूछती है तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी। वो कहती हम रुबाब के पास थे। वो कहती है इतनी देर और उसके बेड। वो यह बताती है कि वो सबीन के पास गए थे और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।